ब्लॉगर हैं। हाय। तो हम लोग आज जा रहे हैं सारे मिलकर के लखनऊ जू पिकनिक करने के लिए। आप पिकनिक भी कह सकते हैं और कह सकते हैं घूमने भी। तो आज वीकेंड भी था और काफ़ी अच्छी धूप भी खिली थी। तो हम लोग हर साल कोशिश पूरी रहती है हमारी कि हम लोग जाने पे ज़रूर जाएं एक बार लखनऊ जू घूमने के लिए। पता नहीं क्या मज़ा आता है ना कुछ हर साल हम लोग। मज़ा तो वाकई में आता है और पता नहीं सेम चीज़ में क्या मज़ा आता है हर साल। तो बस हम लोग अब निकल चुके हैं। ये कैब मेरा कैसा लग रहा है ज़रा कॉमेंट करके बताइएगा। ये कैब मैंने बहुत दूर से मंगाया है। और ये अविरल ने कहा कि जिया जी ये वाली कैप पहनिए, बिकॉज वो वाली कैप पहन पहन के एक ही सेम लुक में देख देख के ये उग गया था। तो हमें भी सही लग रही है ये वाला लुक बेटर लग रहा है उस लुक से। थैंक यू बहुत ही थैंक यू। तो बस अभी हम लोग रास्ते में हैं और जल्दी पहुंचने वाले। अविरल आप कुछ कहना चाहते हैं? बस इतना ही कहना चाहते हैं जल्दी जल्दी व्यूज बढ़ाएं खूब सारे। ये अपनी डिमांड की बात करता है, बस अपनी बात उसने कह दी है। और अभी का हर बात का एंड में एक टैग जरूर जुड़ता है कि सब कुछ ठीक है। हाँ, सब ठीक ही है। मतलब खराब अच्छा वो हर चीज में एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे सुई धागा में नहीं कहता है वरुण धवन। बिल्कुल वही। हाँ। सब ठीक है। तो ऑलमोस्ट जू के नियर है, पार्किंग की गाड़ी लगा दी और अभी चल रहा है पीछे फोटो सेशन। तो बस फोटो सेशन कर रहा है कि हम लोग सीधे पड़ेंगे। और आज की जू को देख कर तो लग रहा मुझे कि श्योरली जानवर सारे बारह के मगर मेरा फेवरेट है सिर्फ शेर को देखना। तो होपफुली आज शेर भी मेरा धूप सेकने जरूर आया होगा। तो चलिए चलते हैं लखनऊ जू। पशु कहाँ कहाँ का होगा आप देख सकते हैं कहाँ चल रहा है। कुछ और ये है कैमरा मैन और अभी ये स्वैप हो जाएगा क्योंकि इसके बाद इनका फोटो शूट होगा। चलिए हम लोग के साथ लखनऊ जू घूमने के लिए आ जाइए। हमारे में कुछ नहीं है। चलो बच्चों फ्रेंड्स ये देखिए इसका फ्रंट लुक लखनऊ जू आ गया। ये तो लखनऊ जू हो गया। आप उसका ब्लॉग भी हम लोग भी बनाएंगे। और यहाँ थोड़ा फोटोग्राफी ये अभी कैमरामैन बने हुए हैं और ये दीदी भाई कैमरामैन। ये शेर रुचि का पालतू है, बचपन में रुचि ने इसी को रेस्क्यू किया था, बड़ा हो गया। स्टैचू बोल के रखी हो क्या? देखो बच्चू ये देखिए लोग खेलना भी शुरू कर दे रहे हैं। चलिए रुको खेलेंगे वो उड़ाएंगे तो हटाएं हमें हाथ लगाएं। ये उड़ा रहे हैं कितना बढ़िया। चलो हो गया बहुत मजा आया। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए सांप घर जो एंट्रेंस है उससे लेफ्ट में है मतलब स्नेक हाउस। तो चलिए चलते हैं। आइए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं कि सांप घर स्नेक का यहाँ पे बहुत अच्छा। ठीक है ये सब बंद क्यों है बाड़े? बर्ड फ्लू के कारण जितने भी चिड़िया वाली है मैटर्स वो बंद है। नहीं नहीं यहाँ पे तो वाइपर था। ये स्नेक्स वाली है अधिकतर खाली है। जहाँ पे आपको दिखेगा हम लोग को आप लोग को दिखाएंगे। इधर तो नहीं है कहीं स्नैक्स? पूरा ये एरिया ही है ना। हाँ ये पूरा सांप घर था। नीचे अरे डरवा दिया इसने। कहीं सांप नहीं है यहाँ तो। सब कोने में घुसे पड़े ठंडे के चक्के। ए वो दिखा ये अजगर है ना। हाँ वो क्या है? हाँ बड़ा सा। ये देखिए जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब बहुत सारे ये देख सकते हैं आप। ये कितना बड़ा है यार। ये एनाकोंडा है।
अब पता नहीं सही से आप लोगों को दिख पा रहा है कि नहीं। पाइथन है ना? हाँ पाइथन है। अब शायद अच्छा हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को दूसरा सांप मिला है देखने के लिए। ये देख सकते हैं कितना भयानक अजगर है ये। और वैसे तो हर बार हम लोग जब आते थे तो सारे जितने भी यहाँ पे क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में और हिंदी में पता नहीं चल रहा, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, उसमें हर हाउस में इसके एक एक सांप होता था, अलग अलग वराइटीज की, अलग अलग स्पीसीज मतलब उसकी होती थी। ओ माई गॉड, देखिए वो खोल के उसको हाथ लगा के गए। क्या किए यार वो? वो सबको जगा रहे हैं लग रहा। जैसे सांप घर खत्म होगा अरे मजा आता है। डर रहे हैं उन लोगों को, लग रहा है कि उनको बर्ड फ्लू हो जाएगा इस वजह से, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। कबूतर है तो ये है पिजन का बाड़ा। ये हमारे व्यूअर्स के लिए ऑडियो बोलना चाहिए। बारासिंगा कितने ढेर सारे बारासिंगा अभी को ये सबसे सामने बारासिंगा फोन चला जाएगा बारासिंगा के पास। ये ना करो, कितना सुंदर बारासिंगा और ढेर सारे इनकी 12 सींग होती है। और वहाँ कोई जानवर जो है साउंड कर रहा, पता नहीं कौन सा जिराफ है क्या वो? ये कितना अच्छा पोज दिया हुआ देखो वो। हाँ वो देखिए कितना सुंदर पोज दिया हुआ। यहाँ पे लोग बोटिंग कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ईमू है ब्रो, वेट। ये देखिए कितना छोटा सा बेबी बारासिंगा बैठा, अपने में ही मगन है, शांत बैठा है, कितना क्यूट है। शेर का बाड़ा बैठ के धूप सेक रहा है, और पता नहीं शेर ने यही बोले सबके पेट में भाईचा को भूखा निकल आया या मुंह ऊब चुका अपने डॉग फूड से नॉर्मली। अभी मजा आया? तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत करीब से दिख रहा है हम लोग को शेर, टहल रहा मस्ती से एकदम दीवको की तरह कर रहा है। वीडियो में आई ये हमको सेंड कर दिया है, आपके कैमरे में वीडियो क्वालिटी बड़ी तगड़ी है। बेटू कुछ खा लो, भूखे हो कब से उधर झांक रहे हो? कल चाय गाना इस वक्त बगल में शेर भी तो नहीं है।
सो फ्रेंड्स, इतनी देर से घूम के अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुके हैं, कॉफ़ी पियेंगे या कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या कौन कौन से हम लोग के जानवर देखने रह गए हैं। और हम लोग को शेर बहुत अच्छा दिखा। अभी कुछ बताइए वाइट टाइगर के बारे में। भाई बड़ा साला भयानक था उसका मुंह, ऐसे ऐसे आया है, बहुत मज़ा आया। और थैंक्स टू माई जीजू सेंदी, बताइए ये ट्रिम कर देना। और थैंक्स टू जीजूस आ गया, जीजू चाय करे खूब नहीं देना काम मस्त आई है कड़वाई है। मेरा मैं कुछ पर डाल नहीं क्या भी? डाल तो क्या डाला था तेरी क्या गलती आ रही है। ये सही पोज दी और आगे आना सर जी। हम लोग की आज जू की पिकनिक कह लीजिए या ट्रिप को कह लीजिए पूरी हो गई है। हम लोग अब जा रहे हैं घर, बस गाड़ी लेने के लिए गए और उसके बाद आपसे मिलते हैं घर में। और छोटा छोटा जो भी आप तक पहुंचा सके, जो भी कैच कर पाए वो करा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिए।